भी नहीं लगा है अभी तक, तो भी 1,25,000 यहाँ के पब्लिक को अगर टोरेंट नहीं चाहिए तो काहे के लिए टोरेंट आके टोरेंट पावर यहाँ पे कर रही है। अपनी जेब भरने के लिए पब्लिक का मुर्दा है, मुर्दा निकालते पब्लिक का है। टोरेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी में आधा पगार भर देंगे तो कहाँ से हम लोग जिएंगे यहाँ पे? टोरेंट हटाओ, इधर से नहीं चाहिए टोरेंट। टोरेंट हटाओ, टोरेंट हटाओ, टोरेंट हटाओ। ये टोरेंट लाया कौन? जो मंत्री ने टोरेंट लाया बोला तू बिल पर, हम नहीं भर रहा। और जो जूना सामान है वो हटा दो, नया टीवी लाओ, नया फ्रिज लाओ। क्यों फूट जाएगा ये बेटा? अंदर घुसना नहीं, पहले बोल रहा हूँ। क्यों भाग रहे? अंदर घुसना नहीं, लाइन काटो, कुछ भी काटो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के संजय नगर में टोरेंट पावर के खिलाफ इस कदर जनता भड़क गई कि घरों से बाहर निकलकर टोरेंट पावर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यहां तक कि बिजली का बिल भी जला दिया। यहां ये बात बताना बेहद ज़रूरी है कि ये वो जनता थी जो टोरेंट के फास्ट मीटर और झूठ बोलकर पुराना मीटर निकालकर नया टोरेंट पावर का मीटर लगाने पर घरों से बाहर आकर विरोध कर रहे हैं और लाखों रुपये की बिजली बिलों से परेशान ये जनता भड़क गई और इनका गुस्सा इस कदर फूटा कि ये नेताओं पर भी अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिए। यहाँ एक बात समझना चाहिए कि ये किसी राजनीति पार्टी द्वारा पैसे देकर बुलाए हुए लोग नहीं हैं, ये वो जनता है जो टोरेंट पावर की मार झेल रही है और आज सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति पार्टी में पैसे लेकर आंदोलन में शामिल होने वालों को टोरेंट की इस परेशानियों से नहीं गुजरना होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि शायद पहली बार मुमरा के संजय नगर में टोरेंट पावर के विरोध में बिना किसी राजनीति के बिना आम जनता खुद विरोध कर नारेबाजी की और मीटर तेज चल रहा है। तो टोरेंट कर्मचारी कह रहे हैं कि फ्रिज जूना है, नया फ्रिज लगाओ। जूना फ्रिज लगाओगे तो मीटर तेज चलेगा, खर्च बिजली का ज़्यादा होगा, इसलिए नया फ्रिज लगा लो। टीवी केबल नया ले लो, पुराना टीवी पुराना केबल बदली कर दो। ऐसी दलीलें टोरेंट पावर के कर्मचारी आम जनता को दे रहे हैं। इस पर भी हमने जब टोरेंट कर्मचारियों से सवाल किया तो टोरेंट कर्मचारी भाग खड़े हुए। वहीं लोगों ने यह भी बताया कि ये टोरेंट के कर्मचारी धोखे से मीटर निकाल कर यानी झूठ बोल कर पुराना मीटर निकाल लिया और नया टोरेंट पावर का मीटर लगा दिया। लोगों ने यह भी बताया कि नया मीटर बहुत फास्ट चल रहा है, इसी वजह से संजय नगर में आज दोपहर में टोरेंट पावर के खिलाफ आम जनता भड़क गई और सड़क पर उतर कर जमकर नारेबाजी की है। कैसा रहा बिना राजनीति का ये विरोध प्रदर्शन टोरेंट पावर के खिलाफ, जो आम जनता टोरेंट पावर के इस परेशानियों से जूझ रही है। इस दौरान ये आम जनता किस तरह से नारेबाजी कर रही है और किस तरह से टोरेंट पावर की इन परेशानियों को बयां कर रही है। भाई क्या प्रॉब्लम था इनका? प्रॉब्लम क्या था वो बताइए ना। इनका प्रॉब्लम ये था कि इनका फ्रिज जो है, मतलब सब कुछ ओके है, मीटर ओके है, पुरानी का फ्रिज में प्रॉब्लम है। फ्रिज का जो है, फ्रिज में पावर फैक्टर कम आ रहा है, 0.6 आ रहा है, तो उसकी वजह से जो है इनका ज्यादा करंट खींच रहा है। तो मतलब पुरानी फ्रिज है, पुरानी टीवी है, तो ये सब नहीं रखने का क्या घर में? एक पुराना है और एक नया चीज है, तो उसमें डिफरेंस तो रहेगा ना। मतलब तुमने ये नया लगाया है तो हम भी नया लगाने का। पुराना सुनो भाई, ये पुराना चीज ज्यादा पावर पुराना अगर चीज है, आदमी जूना चीज खरीदता है, बात करने के लिए मैं ये नहीं। नहीं नहीं, जूना चीज आदमी खरीदता है तो गलत चीज पे आपको समझाऊंगा। आपकी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा। मैं अंदर घुसना नहीं, पहले बोल रहा हूँ। क्यों भाग रहे? अंदर घुसना नहीं, लाइन काटो, कुछ भी काटो। आपको लोग जानते हैं, और किसको नहीं जानते? आपने ऐसा झूठ क्यों बोला कंपनी के? एक मिनट खाला, एक मिनट। कंपनी की तरफ से क्या कहा गया था आपको?
हमको बोला गया था कि जूना मीटर जो रहेगा वही लगेगा और जो चक्री वाला मीटर और जो फॉल्टी रहेगा वो बदली कर देना। तो हमको बाद में बोले कि सब मीटर आप बदली कर दो, सब जूने निकाल लो जितने हैं। तो हमने लगाए। नहीं तो इन लोग तो कह रहे हैं कि आपने कहा था जूना ही मीटर रहेगा, सिर्फ हम नंबर चेक कर रहे हैं, ऐसे ही लगा रहेगा। यही बोले थे। तो फिर क्यों अपने मीटर बदले? हमको मीटर दिया ना ऑफिस से, तो हमने बदली कर दिए, बोले सबका मीटर। यानी आपने इन लोगों से झूठ बोला? हमने क्यों, हमको ऑफिस से बोला गया और हमने इनको बोला। अच्छा, कहा गया उनसे जाके झूठ बोलो आप? झूठ नहीं बोले, बोले जो बात है वो हमको बताया, हमने उनको बताया। आपने तो कहा था कि आपका जो मीटर लगा है यही मीटर लगा रहेगा, लेकिन ये पहला बोला गया था, दूसरा मीटर लगा हुआ है ना यहाँ। हाँ, और बाद में हमको दूसरा मीटर दिया, बोले ये लगा दो। तो यानी आप झूठ बोले ना फिर इनसे? हम कैसे झूठ बोले? हमको जो ऑफिस से बोला गया हमने इनको बोला। और फिर क्या नाम है आपका? सत्ता। ये जो कह रहे भाई सही कह रहे क्या? झूठ बोला क्या? सही बोल रहे झूठी बोले तेरे को जानते, तू इधर आता है ना भाई, तेरे को जानते, तू लोगों से फेस करके बोला, तूने लोगों को बोला ना चूल्हा नहीं पर रहेगा, तो तेरे बोलने पे लोग नहीं कर रहे हैं। महीने का बंदे घर मेरे पास में जो रहते हैं उनका हर दम 500, 600, 800 बिल आ रहे हैं हर महीना। बंद है बोलो। हाँ क्या, और मीटर तो बिल्कुल बदली होगा नहीं क्या? जब जब कंपनी आएगी जब जब मीटर बदली होता है क्या? कौन से कानून में ये मीटर एक बार लगता है खराब होगा तो बदली होता है, खराब होगा तो मीटर बदली होगा। मेरे घर में बच्चे हाथ लगाएंगे, बोला करंट नहीं लगेगा। अच्छा भाई मीटर कौन सा लगेगा? तो इसने बोला मीटर लगेगा तुम्हारा चूना। फिर उसके बाद हमारे दरवाजे के पास आया, बोलता ये खंभा ठोकेंगे। भाई क्यों ठोकेगा खंभा तू यहाँ पे, जबकि ये खंभा उधर खुली जगह में ठोकना चाहिए। इसने हमको धमकी दिया, बोला ये गवर्नमेंट की जगह है, या तो फिर पुलिस से कराएंगे। तो हमको नहीं करा, ये सबसे ज्यादा रुपए में था, ये मुस्लिम आदमी होते ये हमारा साथ देने का, पर ये तोरण वालों का साथ दे रहा है, ये गलत है, ये गलत है। और हमको तोरण नहीं चाहिए, मीटर क्या बोले? जुलाई मीटर लगाएंगे। लेडीज लोग कौन आया है अभी टोरेंट वाले की तरफ से? कौन आया है? कौन आया है? वो चले गए, वो चले गए, मीटर भी नहीं लगाया अभी तक, तो भी 125,000 हमारा ये साथ में है और कंटिन्यू में बराबर हर महीने ड्यू से पहले बिल भरती हूँ, हर महीने बराबर 10 रुपए से बिल भी चल रहा है मेरे घर पे 125,000 1,25,000 यही 1 महीने का बिल है, 1 महीने का बस, नवम्बर का बंद है इनका, हर महीना 4,000 बिल आ रहा है घर वाले सब मुलुक है, घर में इनके तो घर में कोई भी नहीं है, कम से कम 3 महीने से गाँव में उन लोग हमारे सामने ही रहते हैं। बिल कितना बिल आया आपका? 4,000 1 महीने का, कितने महीने मालूम है?
हर मंथ में आता है उनको हर मंथ। अगर टोरेंट टोरेंट अगर यहाँ के पब्लिक को अगर टोरेंट नहीं चाहिए तो काहे के लिए टोरेंट आके टोरेंट पावर यहाँ पे कर रही है। हाथ जोड़ के विनती है टोरेंट यहाँ से भगाओ, ये नहीं चाहिए इधर टोरेंट। हम लोग को गरीब लोग हैं, हम लोग काम पे जाने वाले, कहाँ से पैसा भरेंगे? आधा पगार अगर टोरेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी में आधा पगार भर देंगे तो कहाँ से हम लोग जिएंगे यहाँ पे? टोरेंट हटाओ इधर से, नहीं चाहिए टोरेंट। और सबसे पहली बात, यहाँ पर झूठ बोल के काम किया गया है। मंत्री लोग अपना काम करते अपनी जेब भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए पब्लिक का मुर्दा है, मुर्दा निकालते पब्लिक का है। चला कोई आता नहीं इधर पूछने के लिए, बिल नहीं, बच्चे खाए के लिए, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, उनका क्या चल रहा है, तुम लोग क्या नहीं चल रहा है, कोई पूछने नहीं आता है। बस बिल आया भरो, ये टोरेंट लाया कौन? जो मंत्री ने टोरेंट लाया बोला तू बिल भर, हम नहीं भर रहे, हम मीटर लगाएंगे नहीं इधर, हम तो इधर रास्ते में सो जाएंगे, हमारी ऊपर से लेके जाओगे टोरेंट हमारे इधर विजयनगर में, हम लोग घुसते नहीं देंगे। मेरा वाला हर महीना बिल आता है, अरे 12,000 मेरे से बिल भर के गया, मैं 4 बार एक ही लड़का इनके घर में कमाने वाला, एक ही लड़का, मैं क्या कर सकती बताओ, कहाँ से इतना बिल भरूंगी, महीने का 12,000 बिल आता है क्या? मीटर जो है वही लगा दो, नया मीटर मत लगाओ, नया मीटर लगाओ ना, हम लोग नीचे से डाल रहे वो सब करिए आप, पूरा मीटर है वो निकाल के आप नया मीटर आने के 8 दिन में 50-55 यूनिट हो गया, 80 यूनिट हो गया किसका, किसी के घर में हम लोग बोल रहे जो जूनी वायरिंग है वो हटा दो, नई वायरिंग करो, मतलब उसके लिए हम वापस 10,000 डालने का, कहाँ से लाने का पैसा हम लोग? क्या हम लोग के पास झाड़ के झाड़ पे पैसा लगाए क्या? और जो जूना सामान है वो हटा दो, नया टीवी लाओ, नया फ्रिज लाओ, क्यों? हम लोग जो जूना वहाँ पर है वो नहीं चलेगा, ये क्या बात हो गई? सब तुम्हारा चलेगा तो पब्लिक जाएगी क्या? पब्लिक का क्या चलेगा? लगा रहे देने का नहीं बोल देती।